जब आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर के रूप में जैसे बल्ब हो गया फैन हो गया कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो गया हीटर हो गया उसको आप कनेक्ट करोगे तो ये क्या है इट इज़ डिनोटेड एज आर ये आर के जैसे डिनोट किया जाएगा ठीक है करंट कितनी फ्लो होगी इसके अंदर हाउ टू कैलकुलेट करंट निकालने का सबसे आसान तरीका जब इसमें से करंट चलेगी So, उसको ये रेजिस्टेंस रास्ते में आएगा देन द करेंट विल फील दिस रेजिस्टेंस वो बोलेगी दोनों सीरीज में लगे हैं तो मैं बोलूंगा टोटल ई एम एफ ऑफ द सेल ओमसला वी इज इक्वल टू आई इन टू आर वॉट इज दिस आर आर इज आर प्लस आर दोनों सीरीज में है आर प्लस आर तो वॉट इज करेंट फ्लोइंग इट इज ई अपॉन आर प्लस आर स्मॉल आर दिस इज द इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल वन वोल्ट वन पॉइंट फाइव वोल्ट पॉइंट फाइव वोल्ट टू वोल्ट इस तरह का ऑर्डर होगा एक्सटर्नल रजिस्टेंस जो आप बाहर लगाओगे फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड ओम टू हंड्रेड ओम वन थाउजेंड ओम जो भी होगा ई एम एफ वन पॉइंट फाइव वोल्ट टू वोल्ट डिपेंड करेगा अभी हम डिस्कस करेंगे इसको तो इस तरह से हम किसी भी सेल से कितनी करंट निकलती है वो हम निकाल सकते हैं आई इज ई एम एफ अपॉन टोटल रजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल प्लस एक्सटर्नल रजिस्टेंस इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ डेफिनेशन सेल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली डिवाइस को यंत्र को क्या बोलेंगे सेल बोलेंगे सेल इज़ बेसिकली एनर्जी कन्वर्टर एक एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदल देती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वॉज डिज़ाइनड बाय गैलवेनी सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसने डिजाइन किया था गैलवेनी ने ऐसा बोला जाता है गेल्वनोमीटर इन्हीं के ऑनर में इन्हीं के नाम से पड़ा है नाम स्टोरेज सेल वॉज फर्स्ट डिजाइन बाय प्लेंटे हम यूज़ करते हैं बैटरी स्टोरेज सेल ताकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो सके इसके अंदर वो उन्होंने डिस्कवर की थी प्लेंटे ने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे आउटसाइड द सेल करेंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड इनसाइड द सेल इट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है देखिए हम सेल की क्या मेजर करते हैं सेल के बारे में क्या डिस्कस करते हैं करंट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है कोई भी सेल कितने एम्पियर करंट और कितने टाइम तक दे सकती है उस इसको हम मेजर करते हैं करंट कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कार है कार की जो बैटरी है कार की बैटरी के ऊपर लिखा होता है फोर्टी ए एच नॉर्मल कार जो पैसेंजर कार आम घरों में छोटी कार यूज करते हैं उसकी बैटरी है उस पर लिखा हुआ है फोर्टी ए एच वट इज माइंड द मीनिंग ऑफ दिस फोर्टी एमपियर आवर अब इसका मतलब क्या निकला यह बैटरी मैक्सिमम कितनी करंट दे सकती है व्हाट इज़ द पॉसिबल ऑफ मैक्सिमम करंट इट इज़ 40 एम्पियर इतनी मैक्सिमम करंट ये सेफली दे सकती है अगर आप शॉर्ट करोगे या ज़्यादा कम करोगे रेजिस्टेंस तो ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो बर्नआउट हो जाएगी वो जल जाएगी उसमें गर्म हो जाएगी धुआं हुआ निकलने लग जाएगा उसके इलेक्ट्रोड बर्नआउट हो जाएंगे मैक्सिमम करंट सेफ करंट कितनी ड्रा हो सकती है फोर्टी एम्पियर कितने टाइम तक ड्रा हो सकती है वन आवर तक आप इससे मैक्सिमम 40 एमपियर करंट ड्रॉ कर लो 40 एमपियर करंट फॉर वन आवर अगर आप 20 एमपियर करंट ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ जाएगा टाइम हो जाएगा टू आवर्स क्योंकि 20 इंटू टू कितना 40 आपको 20 एमपियर की जरूरत नहीं थी आपने 10 एमपियर करंट ही ड्रॉ करी तो टाइम बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा फोर आवर हो जाएगा फोर इंटू टेन कितना फोर्टी ए एच आपकी ज़रूरत है केवल फाइव एम की छोटा लोड था आपने फाइव एम ही करा तो ये कितना हो जाएगा एट आवर्स तक चली जाएगी एट इंटू फाइव कितना फोर्टी इस तरह से ये कैलकुलेशन किया जाता है करंट कैपेसिटी ऑफ द सेल का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है ये कार में फोर्टी एमपियर सिक्सटी ए एच इस तरह की होती है इन्वर्टर में आप देखेंगे तो 150 फिफ्टी AH की बैटरी लगी हुई है बड़ा इन्वर्टर है छोटा इन्वर्टर है 135 थर्टी AH की बैटरी लगी होती है आप चेक करना अगर आपके घर में हो तो आप इसको देखना ज़रूर कि कितने ए उस बैटरी पे लिखा हुआ है ए एच मीन्स एम्पियर आवर बहुत छोटी बैटरी होती है एम ए एच मिली एम्पियर आवर में भी हो जाती है यूनिट कई बार बहुत छोटे बटन सेल जो होते हैं छोटे छोटे जो घड़ियों में लगते हैं खिलौनों में लगते हैं रिमोट में कई बार छोटे बटन सेल लगते हैं तो वो एम ए एच में मिली एम्पियर आवर में इसकी यूनिट होती है इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ अ सेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोल्यूशन बिटवीन द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एज द डायमेंशंस ऑफ अ सेल इंक्रीजेज डायमेंशन का मतलब आकार जैसे लेंथ है एरिया एटसेट्रा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ गई तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा साइज़ बढ़ा इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है